जब नाम मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आता है तो हर कोई जानता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास का अंदाज क्या है। बड़बोले नेता के नाम से जाने जाते हैं। कभी मोदी सरकार को घेरते हैं, कभी अपने बयान से चर्चा में रहते हैं, और तो और जब सरकार पर सवाल उठे तो खाचरियावास सबसे पहले आगे आते हैं। लेकिन इस बीच प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ तो खाचरियावास ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कह दिया कि अगर आप टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो होटलों में बियर बेचो, और कहा कि RTDC यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम ही पीने और पिलाने के लिए था। दो शादी ब्याह के लिए देना चालू करो तो लोग कर लेंगे और आराम से करेंगे। मुझे अभी तक याद है इसी गणगौर में, धर्मेंद्र जी, मेरी सिस्टर की बारात इसी गणगौर में ठहरी थी। मैं तब स्कूल में था, मेरी सिस्टर की बारात यहीं ठहरी थी। मैं सबसे छोटा हूं घर में, और बढ़िया गणगौर का बड़ा नाम था। भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, भैरव सिंह जी ने फादर से कहा, मेरे बड़े फादर ही तो भैरव सिंह जी, भैरव सिंह जी ने फादर कहा यार गणगौर में ठहरा दिया, गणगौर बढ़िया ऐसे हूं, गणगौर का इतना नाम था, तो यहीं ठहरी थी गणगौर में ही, और सारी व्यवस्था थी यहां। अभी भी बाहर तो चलता ही होगा, बाहर तो है ही, तो ये बाहर तो है ही आपके पास, बाहर के बिना होटल चाले को नहीं, पीने वाला यात्रा जाना कौन आएगा। RTDC का नाम तो पीने और पिलाने के लिए था, पहले तो बियर आप ही बेच रहे थे, वापस ले लो बियर तो आप काम भी चल जाए, हमारी गारंटी इतना पैसा आवेला कोई गिनती को नहीं हुए थागन। यदि बियर मिल जाए आपको कि बियर सिर्फ RTDC बेचेगी तो RTDC के बाहर बियर की दुकानें आ जाए कर जाए तो आप बात कर लो, लेकिन इसको फ्लक्चुएट करो। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, आज अब नई शुरुआत होगी, दाम खर्च होंगे तो RTDC चलेगी। होटल को उबारने का मंत्री का यह मंत्र अब वायरल हो रहा है और इस बयान की जमकर चर्चा हो रही है। मंत्री ने कहा कि अभी इन होटल में बार तो चलता ही होगा, बार के बिना होटल नहीं चलता, अक्सर होटल्स में पीने वाले ही लोग ज़्यादा आते हैं और कौन आएगा यहाँ। RTDC का नाम तो पहले पीने और पिलाने के लिए ही था। वैसे ही वही राजस्थान है जहाँ एक ओर शराबबंदी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा लगातार राजस्थान में शराबबंदी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उनका मकसद और उद्देश्य यही है कि राजस्थान में शराबबंदी कर दी जाए। लेकिन यहाँ तो सरकार के मंत्री ही टूरिज्म बढ़ाने के लिए ऐसा मंत्र दे रहे हैं जिसमें शराब पीने और पिलाने का ये मंत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो शादी ब्याह के लिए देना चालू करो तो लोग कर लेंगे और आराम से करेंगे। मुझे अभी तक याद है इसी गणगौर में, धर्मेंद्र जी, मेरी सिस्टर की बारात इसी गणगौर में ठहरी थी। मैं तब स्कूल में था, मेरी सिस्टर की बारात यहीं ठहरी थी। मैं सबसे छोटा हूं घर में, और बढ़िया गणगौर का बड़ा नाम था, भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, भैरव सिंह जी ने फादर से कहा, मेरे बड़े फादर ही तो भैरव सिंह जी, भैरव सिंह जी ने फादर कहा यार गणगौर में ठहरा दिया, गणगौर बढ़िया ऐसे हूं, गणगौर का इतना नाम था, तो यहीं ठहरी थी गणगौर में ही, और सारी व्यवस्था थी यहां। अभी भी बाहर तो चलता ही होगा, बाहर तो है ही, तो ये बाहर तो है ही आपके पास, बाहर के बिना होटल चाले को नहीं, पीने वाला यात्रा जाना कौन आएगा। RTDC का नाम तो पीने और पिलाने के लिए था, पहले तो बियर आप ही बेच रहे थे, वापस ले लो बियर तो आप काम भी चल जाए, हमारी गारंटी इतना पैसा आवेला कोई गिनती को नहीं हुए थागन। यदि बियर मिल जाए आपको कि बियर सिर्फ RTDC बेचेगी तो RTDC के बाहर बियर की दुकानें आ जाए कर जाए तो आप बात कर लो, लेकिन इसको फ्लक्चुएट करो। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, आज अब नई शुरुआत होगी, दाम खर्च होंगे तो RTDC चलेगी।